नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। प्रतापगढ़ में जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक मिनी सचिवालय सभागार में आयोजित की गई। जिला प्रमुख इंदिरा मीणा की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में पक्ष और विपक्ष के कई सदस्य और विधायक रामलाल मीणा भी मौजूद रहे। प्रतापगढ़ जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक आज बिना किसी हंगामे के संपन्न हुई। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बैठक के हंगामेदार रहने की संभावना थी, लेकिन मात्र आधे घंटे में विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा के बाद बैठक समाप्त हो गई। भाजपा से जुड़े कई जिला परिषद सदस्य बैठक में नहीं पहुंचे। जिला प्रमुख इंदिरा मीणा की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में गत बैठक की कार्यवाही का पठन एवं अनुमोदन किया गया। इस दौरान मनरेगा योजना, स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास, ग्रामीण की प्रगति पर चर्चा हुई। साथ ही कृषि, शिक्षा, पेयजल, विद्युत आदि के मुद्दों पर भी भाजपा एवं कांग्रेस के जिला परिषद सदस्यों ने अपने विचार रखे। इस दौरान विधायक मीणा ने जिले में नवगठित ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन वितरण में आ रही परेशानियों का जिक्र किया, जिस पर सर्वसम्मति से इन पंचायतों में राशन की दुकानों के आवंटन का प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग आदि की विभिन्न योजनाओं पर भी चर्चा हुई। बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश नायक, जिला परिषद सदस्य पिंकेश पटवा सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।